गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल. दिस इज योर ईवीएस बुक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीच यू योर फर्स्ट चैप्टर अबाउट मी. अबाउट मी इट मीन्स मेरे बारे में. इस चैप्टर में आप खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, खुद को इंट्रोड्यूस करोगे. लेट्स स्टार्ट. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज. इस लाइन में आप अपना नाम राइट करोगे, माय नेम इज. जैसे आपका नाम राम है तो आपको यहाँ राम राइट करना है. सेकंड लाइन, आई एम इयर्स ओल्ड. मेरी उम्र जितनी भी एज आपकी है, 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर, वो आप इसमें राइट करोगे. थर्ड, माय एड्रेस इज मीन्स मेरा पता. अब इसमें आपको यहाँ अपना एड्रेस जो है वो राइट करना है. मान लो आप मदीना मार्केट में रह रहे हो तो माय एड्रेस इज मदीना मार्केट राजगढ़. अगर आप शीतला बाज़ार में रह रहे हो तो यहाँ आप शीतला मार्केट लिख सकते हो. एमपी चौक में रह रहे हो तो आप यहाँ एमपी चौक राइट कर सकते हो. नेक्स्ट लाइन, द नेम ऑफ माय स्कूल इज. मेरी स्कूल का नाम. तो इस लाइन में आप सबका आंसर जो है वो सेम आएगा, क्योंकि आप सब एक सेम स्कूल में पढ़ रहे हो ना. तो यहाँ आपको स्कूल का नेम राइट करना है, मोहता पब्लिक स्कूल. नेक्स्ट लाइन, आई एम इन क्लास सेक्शन. इसमें आपको क्लास और सेक्शन दोनों राइट करने हैं. तो आप सभी आई एम इन क्लास सेकेंड लिखोगे और सेक्शन के आगे ए या बी, जिस भी सेक्शन में आप हो वो सेक्शन आप राइट करोगे. नेक्स्ट लाइन, द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज. इसमें आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम राइट करना है. जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो आप इसको यहाँ राइट करोगे. द बर्थडे इज ऑन, सॉरी माई बर्थडे इज ऑन. अब आपका बर्थडे जिस डेट को आता है वो डेट आप यहाँ मेंशन करोगे. लाइक 15 जून तो आप 15 जून राइट करो. अगर आपका 20 मई को आता है तो आप यहाँ 20 मई राइट कर सकते हो. नेक्स्ट लाइन इज माई हाइट इज, मेरी लंबाई. तो इसमें आपको यहाँ पे आपकी हाइट जो है वो मेंशन करनी है. और नेक्स्ट है माई वेट इज, तो इसमें आपको अपना वज़न, जैसे आप 20 केजी के हैं, 22 केजी के हैं, तो जो भी आपका वेट है वो आपको यहाँ राइट करना है. नेक्स्ट टॉपिक है माई फेवरेट. माई फेवरेट यानी मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है. अब इसमें आपके पास कई ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपनी फेवरेट थिंग्स जो है वो इसमें मेंशन करनी है. जैसे फर्स्ट दे रखा है गेम. अब कई स्टूडेंट को कार से खेलना पसंद होता है, कईयों को डॉल से पसंद होता है, किसी को फुटबॉल पसंद होता है, किसी को क्रिकेट. तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट गेम का नाम जो है इसमें राइट करोगे. जैसे आप लूडो राइट कर सकते हो, चेस कर सकते हो, हाइड एंड सीक कर सकते हो. नेक्स्ट पूछ रहा है एनिमल. तो जो भी आपका फेवरेट पेट होता है उस पेट एनिमल का नाम आप इसमें मेंशन कर सकते हो. जैसे डॉग है, कैट है, रैबिट है, तो जो भी आप घर पे रखते हो पेट या आप रखना पसंद करते हो उसका नाम आपको इसमें राइट करना है. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर. फ्लावर मीन्स फूल. तो इसमें आपको अपना फेवरेट फ्लावर जो है वो मेंशन करना है. किसी को रोज़ पसंद है, किसी को मैरीगोल्ड, किसी को कोई दूसरा फ्लावर. तो जो भी फ्लावर आपको पसंद है वो आप इसमें राइट कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रूट. तो जो भी फ्रूट आप सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हो, जो आपका फेवरेट फ्रूट है वो आप इसमें मेंशन करोगे. किसी को बनाना पसंद है, किसी को मैंगो, किसी को ऑरेंज, किसी को एप्पल, किसी को स्ट्रॉबेरी, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक फ्रूट का नाम इसमें मेंशन
करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉय। तो जिस भी टॉय से आप सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करते हो उस टॉय का आप इसमें नाम मेंशन करोगे। जैसे किसी को डॉल पसंद होती है, गर्ल्स ज़्यादातर डॉल से हाउस खेलना पसंद करती है, और बॉयज़ जो हैं वो कार से गाड़ियों से खेलना पसंद करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ डॉल या कार मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीवी चैनल। तो टीवी पर आप जो भी चैनल सबसे ज़्यादा देखते हो उस टीवी चैनल का नाम आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कोई कार्टून नेटवर्क देखता है, कोई पोगो देखता है, कोई डिज्नी देखता है, कोई सोनिक देखता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें अपना जो टीवी चैनल है वो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, टर्न टू पेज नंबर 6। 6 नंबर पेज पे आपके कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उन एक्सरसाइज को हम करेंगे। फर्स्ट देखिए, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं। ऑल न्यू बॉर्न बेबीज लुक अलाइक, जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने थोड़े दिन पहले अगर उनका बर्थ हुआ है तो वो सारे देखने में आपको एक जैसे लगेंगे। डू यू नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन ईच ऑफ देम, आप जानते हैं कि उन सब में एक डिफरेंट चीज होती है, वो क्या होती है। देयर फुटप्रिंट्स आर डिफरेंट, तो उनके जो फुटप्रिंट होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज पूछ रही है, कैन यू डू दिस, राइट येस और नो। अब 3 पिक्चर्स मेंशन की हुई है, उसमें आपको ये बताना है कि क्या आप इन पिक्चर्स में दिखाए हुए वर्क को करते हैं या नहीं। तो आपको आंसर जो है वो येस या नो में मेंशन करना है। फर्स्ट पिक्चर में एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर पे कुछ वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है वो स्टडी कर रहा हो, या हो सकता है वो प्ले गेम खेल रहा हो, ड्राइंग बना रहा हो। तो आप इनमें से अगर कोई भी वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, तो आप इसमें यस मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप उसको नो कर सकते हैं। सेकेंड पिक्चर में दिखा रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो ड्राइंग बना रहा है, पेंटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी पेंटिंग कर रहे हैं या करते हैं घर पे, आपको पसंद है, तो आप उसमें येस मेंशन करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसमें नो मेंशन करेंगे। थर्ड पिक्चर दिखा रखी है कि एक बच्चा जो है वो गार्बेज जो होता है, डस्ट जो होती है, उसको डस्टबिन में डाल रहा है। तो मेरे ख्याल ये काम तो हम सभी करते हैं, जो भी डस्ट होती है उसको डस्टबिन के अंदर डाला जाता है। तो आप यहाँ येस मेंशन करोगे। सेकंड एक्सरसाइज पूछ रही है, ड्रॉ। अब इसमें देखिए फेस दिखा रखा है, एक फेस जो है वो हैप्पी को शो कर रहा है कि वो खुश है, और दूसरा सैड। तो आप कौन सी जो ये एक्सरसाइज दी हुई है, इनमें आप कैसा फील करते हो, वो फीलिंग आपको मेंशन करनी है, ड्राइंग पे बनानी है आपको, कि आप उसमें खुश होते हो या आपको दुख होता है, उदास होते हो आप। तो फर्स्ट पूछ रहे हैं, हेलो आई कैन, मैं कर सकता हूँ, कम्ब माई हेयर, तो आप अपने बाल बना सकते हो। तो अगर आप खुद बनाते हो तो आप इसमें स्माइली फेस बना दो, और नहीं बनाते हो तो आप इसमें सैड का जो फेस बनाया हुआ है वो बना सकते हो। नेक्स्ट दिखा रखी है, शार्पन माई पेंसिल। तो पेंसिल तो सभी को शार्प करनी पड़ती है, तो इसमें आप हैप्पी का फेस जो है वो बनाओगे। थर्ड दिखा रखा है, ड्राइव ए कार। तो आप स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हो, तो आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, तो आप इसमें सैड जो फेस बनता है वैसे बना सकते हो। नेक्स्ट है, राइड ए हॉर्स। अगर आपको एक हॉर्स की राइड करनी है, सवारी करते हो, तो अगर आप कर सकते हो तो आप हैप्पी फेस बनाओ, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप उसमें सैड फेस बना सकते हो।
नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज दे रखी है, कंप्लीट दिस इनविटेशन कार्ड। एक बर्थडे कार्ड है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट उसमें शो कर रखा है डियर, तो यहाँ आप उसका नाम मेंशन करोगे जिसे आप ये बर्थडे पार्टी का लेटर दे रहे हो, जिसे आप इनवाइट कर रहे हो ना, उसका नाम यहाँ आएगा। जैसे कि आपके फ्रेंड का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्लीज़ कम टू माय बर्थडे पार्टी एट माय होम ऑन। अब यहाँ आएगी आपकी बर्थ डेट कि किस डेट को आपका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। एट के बाद यहाँ आप टाइम मेंशन करोगे कि किस टाइम को आपका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और लास्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स ये लाइन दी हुई है एक, यहाँ आप अपना खुद का नाम जो है वो मेंशन करोगे। ओके, बाय।